अब हम लोग अकबर की राजपूत नीति को उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को इवेल्युएट करेंगे, है ना। जे एफ रिचर्ड्स एक इतिहासकार हैं, उन्होंने आकलन किया, जे एफ रिचर्ड्स इन्होंने आकलन किया कि जिस समय अकबर था उस समय भारत में लगभग 120 राजपूत राज्य थे, है ना, 120 प्रमुख राजपूत राज्य थे। आरिफ कांधारी ने, एक और हिस्टोरियन है आरिफ कांधारी ने लिखा है किताब तारीख ए अकबर शाही, तारीख ए अकबर शाही, ये किताब जहांगीर के जमाने में लिखा गया है। उन्होंने इन चीजों को अकबर की राजपूत नीति पर विचार करते हैं, उसने लिखा है कि अकबर के सामने राजपूतों के मामले में दो विकल्प थे। पहला सल्तनतकालीन व्यवस्था, जिसमें नजराना व्यवस्था, अभी अपनी किताब में खोजिएगा जरा, जिस किताब को पढ़ते हैं आप, है ना। नहीं सर, ये नहीं है मतलब ये पढ़ाने का औकात इस देश में बहुत कम लोगों को है, उसका ही नहीं। तो उनका कहना है कि दो ऑप्शन वाज देयर बिफोर अकबर, द फर्स्ट वाज नजराना सिस्टम, कि नजराना लीजिए और नॉमिनल सबॉर्डिनेशन स्वीकार करेंगे एंड दे विल रिमेन इंडिपेंडेंट, है ना। दूसरा ये था कि राजपूत राज्यों को फतह करें, जीते। पहले भी मैंने कभी बताया है कि राजपूतों के जो किले होते थे, प्रायः दो तरह के किले होते थे, एक जो महल रेसिडेंशियल होता था जहां लोग फैमिली के साथ परिवार के साथ रहते थे, और दूसरा मिलिट्री सैनिक केंद्र के रूप में, राजधानी के रूप में फंक्शन करता था। राजपूतों के किले प्रायः पहाड़ के चोटी पर होते थे, है ना। तो जब हम भी राजस्थान जब गए, तो जब कुछ जगह सब तो नहीं देखे, लेकिन कुछ जगह जब किला देखिएगा तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, है ना। अब किला जो है पहाड़ी के ऊपर है, यहाँ आप जमीन में छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा निकल आपको दिख रहा है, और यहाँ पर पहाड़ी पर किला। अब इस पहाड़ी पर यह होता ही था, और इन किलों में 6 महीने के रसद सामग्री ऑलवेज स्टोर्ड होते थे, पूरा सैनिक के लिए, सबके लिए। अगर राजपूतों को लगता था कि युद्ध जो होने वाला है उसमें हमारी हार हो सकती है, सामने वाले की सेना बहुत मजबूत है, तो राजपूत सीधे किला पर चले जाते, है ना। और यहाँ किला से, और आप हैं नीचे, तो आप किला पर चढ़िएगा, ऊपर से हम ईटा भी मारेंगे, पत्थर भी मारेंगे, तो आप का काम तमाम हो जाएगा। और 6 महीना आराम से राजपूत अपने किला में रहेंगे। इसलिए जब हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में भी चित्तौड़ का युद्ध राणा रतन सिंह वाला देखा, और कौन सिनेमा था, पद्मावती वाला एपिसोड देखा, तो अलाउद्दीन खिलजी को 8 महीना रुकना पड़ा था, है ना, फॉर ऑल टुगेदर 8 मंथ्स, है ना। जब राजपूतों के भोजन पानी समाप्त हो गया, तब राजपूतों में एक बुद्ध होता ही है कि हाँ, भूखे पेट मरने से अच्छा है कि मरना ही है, अगर मरना तय है तो लड़कर राजपूत की तरह मर जाओ, है ना। तो एक अगर अकबर यह डिसाइड करता कि सभी राजपूत राजाओं को हराना है, युद्ध करना है, तो एक राज्य को हराने में औसतन 6 महीना लगता। अगर जेफ रिचर्ड्स के अनुसार 120 किले थे, तो 60 साल तो उसको राजपूतों के खिलाफ लड़ने में लग जाता, है ना। तो उतना साल तो जिया भी नहीं,
तो फिर राजपूत राज्यों को पूरी तरह सबऑर्डिनेट करना संभव नहीं था, है ना। तो अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई, है ना। सुलह ए कुल की नीति भी अलग है, सुलह ए कुल इसका मतलब है पीस फॉर ऑल, है ना। हालांकि रामधारी सिंह दिनकर ने भी कहा है, क्षमा शोभती उस भोजन को जिसके पास गरल हो, आगे कविता हमको याद नहीं है, है ना। तो यानी शांति भी वही स्थापित कर सकता है जिसके पास ताकत है। अब अपने पास कुछ है ही नहीं है, ढोरबा साफ पुकारता है जो उसको कोई पूछता है। तो इसीलिए अकबर अगर इस नीति को अपना रहा था तो उसके पीछे बहुत सारी सोचें थीं। कर्नल टॉड ने, जेम्स टॉड ने, जो ओरिएंटलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने किताब लिखा है एनर्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। हालांकि यह किताब गाथाओं और कथाओं पर आधारित है, इसमें ऐतिहासिक तथ्यों को उस हिसाब से कोराबोरेट नहीं किया जा सकता। कथा और गाथा में एग्जैजरेशन अपने आप में होता है और झूठ सच तो उसमें अपने आप मसाला के रूप में इंक्लूड हो जाता है। तो वह लिखता है कि हाँ, आन बान शान पर मरने वाले तो राजपूत थे ही, लड़ाकू थे ही, लेकिन ये सब बात बोलकर भी राजपूतों को लड़ने मरने के लिए इनकरेज कर दिया जाता है कि आपका गुने है लड़ना, आपका गुने है लड़के मर जाना, तो जिंदा रखे का कीजिएगा। तो राजपूतों में जिंदा रहने से ज़्यादा इस बात का ग्लोरिफिकेशन होता था कि कितने अच्छे से कौन मरा, कितने अच्छे से युद्ध लड़ते हुए कौन हारा। तो जीत जो है पीछे चली जाती थी। तो इसीलिए लेकिन यह भी बात है कि कर्नल टॉड एक अंग्रेज है, अंग्रेज पैदाइशी चालाक थे, तो राजपूतों के लड़ने भिड़ने की कथा उन्होंने क्यों ज़्यादा प्रचलित, कारण ये था कि अंग्रेज भारत में मुगलों की सत्ता को समाप्त करके आए थे और राजपूतों को अंग्रेज इतिहासकारों ने विदेशी कहा और राजपूतों को कहा कि आपकी सत्ता को कौन खत्म किया, मुगल, और मुगलों को कौन खत्म किया, तो हम। इसलिए राजपूतों के ताकत का इस्तेमाल अंग्रेजों ने भी अपने लिए किया। तो मध्यकाल में अकबर ने भी राजपूतों का इस्तेमाल अपने लिए किया और इस पीरियड में राजपूतों को भी मूर्ख बनाने का काम अंग्रेजों ने किया। तो राजपूतों की शौर्य गाथा गाइएगा तो जो भी आदमी दिमाग से नहीं लड़ता है, लठैत होता है, उसको अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है ना। इसीलिए राजपूतों के बारे में कहा गया कि ज़्यादा प्रशंसा कीजिएगा तो छत से भी कूद जा सकते हैं, है ना, और सर झुकाने के बदले अगर तलवार सामने रख दीजिएगा तो सर ना झुके इसलिए गर्दन में कटवा लेंगे। कि राजपूत का सर क्या जो झुकिए गया, वो तलवार हो चाहे तोप हो, उड़ा दो तो उड़ा दो, है ना। तो ये मूर्ख बनाने का बड़ा अच्छा अच्छा फार्मूला इतिहासकारों ने और लोगों ने राजपूतों पर आजमाए और राजपूतों ने बड़े आराम से उन फार्मूलों को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया, है ना। 1191 के बाद राजपूत किसी भी इंपॉर्टेंट युद्ध को नहीं जीतते। लेकिन राजपूतों के युद्ध कौशल की कथा से भारत गुंजायमान है। तराइन के पहले युद्ध के अलावे एक भी युद्ध राजपूतों ने नहीं जीता। अपने में लड़े खूब बढ़िया से, दूसरों के लिए लड़े बहुत बढ़िया से। तो राजपूतों का आज भी यही विशेषता है कि दूसरे के लिए बड़े बढ़िया से लड़ते हैं और अपनों को बड़े बढ़िया से काट देते हैं, है ना। तो ये विशेषता बदस्तूर जारी है ना। तो अकबर की जो पॉलिसी थी कर्नल टॉड के इंटरप्रिटेशन के अनुसार नहीं थी। कर्नल टॉड अपने हिसाब से बोल रहे, लेकिन अनिश्चित रूप से अकबर राजपूतों के खिलाफ बहुत ही लिबरल पॉलिसी अपनाता है टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। चूंकि अकबर अपने बचपन से ही बहुत सारे ग्राउंड रियलिटीज की पढ़ाई किया था,
नातेदार रिश्तेदार अपने नज़दीक के लोगों का व्यवहार वो जानता था। मुगल दरबार में तुर्क जो नोबिलिटी थे उसके राइवलरी को देखा था। वह तलवार कब किसी नोबल के बदले अकबर पर चल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं थी। मुगल दरबार के अंदर भी इतनी ज़्यादा राइवलरी आपस में थी कि कब कौन मारा जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती थी। इसलिए अकबर को अपने साथ एक रिलायबल नोबिलिटी क्लास चाहिए था, वो रिलायबल भी हो और तुर्क नोबिलिटी क्लास को काउंटर करता हुआ वर्ग हो। अगर इस साइड में एक वर्ग है और उस साइड में एक वर्ग है, दोनों तलवार लिए हुए, एक मेरा दाई हाट है और आपके मन के अंदर अगर मेरे खिलाफ भी है तो मेरे ऊपर तलवार चलाने से पहले आप 10 बार सोचिए कि सामने वाला का तलवार ही मेरे खिलाफ चल जाएगा। तो कोल्ड वॉर का जो सिचुएशन था कि आप चलाइएगा तो आप ही मारेंगे, लेकिन हम तोप आपके सामने भी हम किए, मेरे सामने आप किए हुए, चलेगा नहीं, तोप दिखाया जाएगा, बंदूक दिखाया जाएगा, लेकिन वो चलेगा नहीं, है ना। इसके अलावा अकबर के ज़माने में बाहर से आने वाले सैन्य सप्लाई में भारी कमी आ गई और जो मुगल सेना का जो रिक्रूटमेंट है वह अब बाहर से नहीं हो रहा था। इसलिए मुगल सेना में रिक्रूटमेंट के लिए लोग चाहिए थे। वो मध्यकाल था, भारत था, तो सेना में रिक्रूटमेंट राजपूतों से ही आ सकता था, है ना। उस ज़माने में इसी तरह का था। इसी तरह से दरबार के अंदर भारतीय मुसलमानों को भी पूरा प्रमोट करना था, तुर्कों भी रखना था, लेकिन काउंटर करने के लिए राजपूतों को भी दरबार में रखना था। इसलिए अकबर का जो लक्ष्य था कि अपने दरबार में किसी को इतना पावरफुल न होने दिया जाए जो अकबर पर पुनः हावी होने का प्रयास करे। फिर जैसा अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि अकबर भी भारत के सभी क्षेत्रों में अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को अंजाम दिया। हर जगह आप देखते हैं कि राजा टोडरमल गए, राजा मान सिंह गए, बीरबल गए, हर जगह राजपूत राजाओं को गवर्नर भी बनाया गया और सेना का कमांड भी दिया गया। तो अकबर वह हालांकि औरंगजेब ने भी राजपूतों का उतने ही बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है, तो अकबर ऐसा राजा है जिसने अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने में राजपूत सैनिकों का सर्वाधिक उपयोग किया। हर फ्रंट सेना पर वह राजपूतों को भेजता था और अगर राजपूत राज्यों के खिलाफ लड़ाई हो गई तो राजपूत राज्यों के खिलाफ फ्रंट पर राजपूत ही रखे जाते थे, है ना। तो जो अकबर के साथ लड़ते थे राजपूत, उनके लिए दोहरा संकट था, पीछे और साइड में मुस्लिम सैनिक है। तो राजपूतों के खिलाफ जब राजपूत लड़ेगा तो उसको यह भी देखना है कि हमको मुस्लिम या मुगल ये ना कहें कि राजपूतों के सामने हम जातिवाद में थोड़ा ढीला पड़ गए, तो थोड़ा और ताकत दिखाएंगे और जोरदार तरीके से लड़ेंगे। तो ये अकबर के साम्राज्यवादी और निरंकुशवादी और बहुत ही एस्ट्यूट सोच था कि राजपूत राज्यों के खिलाफ जब भी अभियान हुआ आगे में राजपूत सेना ही रही और राजपूत सेनापति ही रहे। राणा प्रताप के खिलाफ मान सिंह को ही भेजा गया, है ना। तो फ्रंट में राजपूत ही राजपूत से लड़ेंगे, है ना। एक और इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने कहा है कि तुर्क और राजपूतों का समझौता है यह एक पार्टनरशिप था, या दोनों की मजबूरी थी कि दोनों एक दूसरे से समझौता कर लें, है ना। स्वाभाविक है कि इस तरह का जो समझौता है वो राजपूतों के अस्तित्व को भी बचाया और मुगलों के अस्तित्व को भी न केवल बचाया बल्कि भारत में उसको उन्होंने मजबूत ही किया, है ना। राजपूत राज्यों के लिए दिक्कत ये था कि अगर मुगलों से लड़ते तो मुगल उस जमाने में भारत के सबसे ज़्यादा मजबूत राजतंत्र के रूप में डेवलप हुए थे। सल्तनत काल के मुकाबले इनका इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट भी हुआ, इसलिए जो राज्य लड़ते वो राज्य फिनिश हो जाते, उनका अस्तित्व बचाना संभव नहीं होता।
दूसरी ओर मतलब राजपुताने में सिसोदिया राजवंश का उदय हो रहा हुआ ही था, तो बहुत सारे राजपूत राज्यों को सिसोदियों की अधीनता स्वीकार्य नहीं थी। तो एक पक्ष ये था कि मुगलों से लड़ना मुश्किल था, लेकिन उसी के साथ दूसरा पक्ष यह भी था कि अगर सिसोदिया राजवंश के अधीन आते तो फिर उनका अस्तित्व राजवंश के रूप में नहीं रहता। अगर मुगलों से अकबर से बिना लड़े समझौता कर लेते तो मुगलों ने अकबर ने राजपूतों के राज्य को कभी छीना नहीं, राजपूतों को उन्हीं के राज्य का जागीरदार बना दिया, तो उनके क्षेत्र को जागीर कहा जाता था, मनसबदारी व्यवस्था फ्री होल्ड था, लेकिन नॉर्मली उसने किसी भी राजपूत राजा से उनकी जागीर नहीं छीनी और उन्हीं के क्षेत्र को उनका जागीर या सैलरी के रूप में दे दिया। अगर सैलरी ज्यादा हो और जागीर से वसूली कम है तो उनको किसी और क्षेत्र में भी जागीर अलॉट किया जाता था। इसलिए जब आप देखते हैं कि राजस्थान के किसी राजा का जागीर मध्य प्रदेश में और दूसरे जगह हुआ, तो इसका मूल कारण नहीं था कि उनका सैलरी ज्यादा है और राजस्थान के जागीर से वसूली कम है, तो जो गैप है उसके बदले में अलग से जागीर दे दिया जाता था। तो अगर मुगलों से समझौता कर लेते तो मुगलों की अधीनता माननी पड़ती, लेकिन अस्तित्व बचा रह जाता, सिक्योरिटी मिलता, आक्रमण से बच जाते। तो बहुत सारे राजपूत राज्यों ने सिसोदिया वंश की अधीनता मानने के बदले अकबर की अधीनता इसीलिए मानी ताकि उनका अस्तित्व बचा रहे, है ना, और अकबर के दरबार में ऊंचा पद मिला। तो जिन लोगों ने अकबर की अधीनता मानी उनको तीन फायदे हुए, पहला अस्तित्व बच गया, दूसरा अकबर के दरबार में ऊंचा स्थान मिला, और तीसरा उनका राज्य भी सुरक्षित हो गया। तो अपने राज्य की सुरक्षा की भी चिंता करनी उनको नहीं थी, है ना। तो इस तरह से इन लोगों ने वैसा ही काम किया जो इनको बचा ले गया, और इसीलिए अकबर ने बहुत चालाकी से राजपूतों को अपने दरबार में बड़ा ऊंचा स्थान दिया, बराबरी का दर्जा दिया और उनके मान सम्मान का बराबर ख्याल रखा। तो इतने में ही राजपूत लोग तो प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ, कहा जाएगा ये बैठे बाबू साहब आप तो बड़े महान आदमी हैं। उसके बाद तो फिर काम से गए राजपूत, है ना। अकबर की राजपूत नीति के दो अन्य पहलू भी थे जिसमें हम लोगों ने अभी समझाया। तो अकबर ने राजपूतों के सामने तीन शर्तें रखी, तीन शर्त या तीन नीतियों के तहत ही राजपूत राज्य चले। पहला नंबर कि राजपूत राज्य अकबर से समझौता कर ले, है ना। अकबर ने कहा कि आप हमारी अधीनता मान लीजिए सीधे, जैसे आमेर ने माना, कुछ कंडीशनल माने, शर्त के साथ माने, और कुछ ने सीधे अकबर की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। उसमें केवल मेवाड़ था और मेवाड़ के साथ रहने वाले राजपूत राज्य थे। अकबर जिन राजपूत राज्यों को अपने अधीन किया, अकबर ने उनको आश्वासन दिया कि अकबर किसी भी राजपूत राज्य के आंतरिक मामले में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक राजपूत राज्य के उत्तराधिकारी उसके दरबार में आकर उससे टीका लगवाकर नहीं जाया करें। यानी अकबर के दरबार में टीका लगाने आपको आना है अगर आप अगले उत्तराधिकारी हैं। दिस वे यू विल गेट द लेजिटिमेसी ऑफ द प्रोटेक्शन फ्रॉम द मुगल एम्पायर। और टीका लगवाने आए मतलब आप मेरी अधीनता मान रहे हैं। दोनों बात अपने आप सिम्बोलिकल हो गया। और अकबर ने कहा कि आपके आंतरिक मामले में क्या हो रहा है, कौन राजा बनना है, इसमें हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। हालांकि कई जगहों पर उसने किया है जरूर, लेकिन राजपूत राज्यों की सहमति से ही किया है। औरंगजेब मारवाड़ में करता है तो बदनाम होता है, लेकिन अकबर ने भी किया है। तो अकबर के समय हस्तक्षेप भी हंस खेलकर हुआ, इसके समय विवाद हो गया। दूसरा नंबर कि अकबर ने अपने दस्तावेजों में राजपूतों को जागीरदार लिखा है ना, राजा नहीं लिखा है, और उनके वतन को ही उनका जागीर घोषित किया।
जो अभी हमने बताया, इसका मतलब है कि राजपूतों का स्थानांतरण मनसबदारों की तरह नहीं होगा, यानी उनकी प्रतिष्ठा भी नहीं गई, उनका राज्य भी रहा, उनके लोग भी रहे और वो वहीं रहे और सारी सुरक्षाएं भी उनको मिल गई। अब जो है तीसरा काम क्या किया अकबर ने कि राजपूतों को तो इतना फैसिलिटी दिया, लेकिन राजपूतों के राज्य में मुगलों के सिक्के भी चले और मुगलों के अधिकारी भी घूमे। तो जैसे ही मुगलों का सिक्का चलेगा, लोगों के समझ में आया कि बाबू साहब अकेले अपना है, आप तो मुगलों के अधीन है और मुगल अधिकारी घूम रहा है, तो शिकायत करने का एक स्पॉट वो भी है कि अगर हम राजपूत राजा से दुखी नाराज हैं तो मुगल अधिकारी को कंप्लेन करेंगे, और मुगल अधिकारी अगर किसी राजपूत राजा से कहेगा कि राजा साहब क्या कर रहे हैं, अर्थात न कुछ कहते हुए भी आपकी जड़ों को कमजोर करेगा और आप सब कुछ जानते समझते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाइएगा। वंस यू हैव एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, है ना। और इसी तरह से राजपूतों को और हिंदुओं को प्रसन्न करने के लिए अकबर ने सबूतेदार भी काम किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तो आज के दौर में कितने लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, उस समय लाइन लगा के करते होंगे। आज भी आप विश्वनाथ कॉरिडोर में जाइए तो पैसा देके जाते हैं ना, आज भी टैक्स देते हैं, नहीं देते। कोई भी मंदिर में जाते हैं, बड़ा जो मंदिर परिसर है, वीआईपी दर्शन है, टिकट कटाना पड़ता है, ये क्या है। तो अकबर या मुगलों ने लगाया तो मुसलमानों ने लगा दिया, और आप अभी जो दे रहे हैं वो क्या है। तो वह तीर्थ यात्रा कर भी मेंटेनेंस के लिए था, तो लेकिन अकबर उस जमाने में गाड़ी बैल से जाना था भाई, पैदल जाना था, तो कितने लोग तीर्थ यात्रा करने जाएंगे। तो इसको भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया, लेकिन खत्म जब किया तो हुआ ना कि लोगों में गांव देहात में जो हिंदू थे, अरे भाई एक ऐसा मुसलमान राजा आया, देखो ना हम लोग का तीर्थ यात्रा खत्म करे, तो सुन भी नहीं की कभी। तो जितना तीर्थ यात्रा कर की वसूली होती थी उतना से ज्यादा वसूल करने वाले पर खर्च होता था, है ना। इसी तरह से जजिया जितना वसूलाता था उससे ज्यादा सैलरी भी चला जाता था अधिकारियों का। ये दोनों नॉन प्रॉफिटेबल टैक्स था, टैक्स होते हुए भी कलेक्शन से ज्यादा उसमें इंस्टीट्यूशनल खर्च आता। तो अकबर को तो दोहरा फायदा हुआ, एक यह खर्च बच गया और दूसरा हिंदुओं का अनडिस्प्यूटेड लॉयल्टी मिला कि बताओ तो भला ऐसा भी होता है एक मुसलमान राजा आया, जजिया खत्म कर दिया, बताइए भला। तो अकबर के समर्थन में मुसलमानों से ज्यादा हिंदू आए और यहां से मुसलमानों का एक बड़ा तबका अकबर के खिलाफ होता है। अब्दुल कादिर बदायूनी जो किताब लिखता है वो अकबर की इन सारी नीतियों का धज्जी उड़ाता है, और यहाँ से बौद्धिक तौर पर जो ग्राउंड बनता है वही आगे जाकर औरंगजेब रूपी वृक्ष के रूप में सामने आता है। और इसी तरह से अकबर ने दास प्रथा खत्म कर दिया, दास को रखने में राज्य को बहुत खर्च होता था, है ना, कहा गया हटाओ इसको, इसका भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया। इसीलिए इतिहासकार मोहम्मद अतहर अली ने पहली बार कहा कि अकबर्स राजपूत पॉलिसी वाज अ तुर्को राजपूत पार्टनरशिप पॉलिसी, तुर्को राजपूत पार्टनरशिप पॉलिसी, राजपूतों ने अपनी सारी शक्ति को मुगलों को सौंप दिया और राजपूत जमींदार के रूप में मुगलों के अधीन रह गए और अपने को भी बचाया और अकबर को भी कंसोलिडेट कर दिया। तो इसलिए जो वो ट्रेडिशनल मत है कि अकबर की ऐसी राजपूत पॉलिसी इसलिए हुई कि राजपूत के यहाँ पैदा हुआ, और वो सब तो ट्रेडिशनल है ही कि
मुस्लिम अमीरों का विरोध, विदेशीपन दबाने का उपाय, क्योंकि भारत के सिस्टम में मिल गया अपने को, राजपूत के यहाँ जन्म और राजपूतों की सैनिक विश्वसनीयता और सैनिक गुण अनफ्लिंच लॉयल्टी की तो रही है। राजपूत तो अपने लोगों के साथ जो मारपीट कर ले, लेकिन राजपूत अगर दूसरे को वचन देता है तो बोला कि वचन दिया तो जान जाए चाहे रहे, वचन दिया तो वचन की रक्षा करेंगे। और राजपूत नीति के बाद उनके अंतर्गत अकबर ने अधिकांश राजपूतों के दुर्ग वापस किए, अलग जागीर भी दिया, शासन में भी शामिल किया और वैवाहिक संबंध किसी पर फोर्स नहीं किया। जिन लोगों ने वैवाहिक संबंध किया उसे किया, जिन्होंने नहीं किया उसे नहीं किया। विवाह करना अकबर के राजपूत पॉलिसी का इंटीग्रल हिस्सा नहीं था, चूंकि विवाह करने से राजनयिक संबंध मजबूत होते हैं, ये बिम्बिसार के ज़माने से ही चल रहा है, तो यह कोई एबनॉर्मल बात उस जमाने में नहीं थी। लेकिन अकबर ने हमेशा इस बात को मेंटेन किया कि राजपूत रानियों को कभी भी उनके मायके से नहीं तोड़ा, है ना, किसी भी राजपूत रानी को धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहा, है ना, सभी लोगों को अपने धर्म मानने की इजाज़त थी और अपने नैहर से यानी पिता के घर से नियमित संबंध बनाए रखने की भी अनुमति थी। तो इस पीरियड में राजपूत नीति के तहत अकबर ने अपने लिए बहुत फायदेमंद ग्राउंड बनाया और इसीलिए राजपूत नीति इसकी बहुत सफल नीति कहलाती है, जो इसके बेटा जहांगीर ने भी जारी रखा, शाहजहां ने भी जारी रखा और औरंगजेब ने कुछ अल्टरेशन के साथ जारी रखा।